और ये गाइस निशु अपना बार्गेनिंग करते हुए ऑटो वाले से, देखो ऑटो वाले क्वेश्चन हुआ निशु, बहुत प्यारे, बहुत मजा आया, दिल खुश हो गया, वाह वाह वाह। सो वेलकम गाइज टू अनदर व्लॉग, और आज आप लोग देख रहे होंगे कैसे मैं कहाँ पे हूँ। तो गाइज ऐसा है कि हमारा एक और नया ट्रिप स्टार्ट हो चुका है, इसे रोड ट्रिप नहीं बोलेंगे। इसमें हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, लास्ट ईयर कोविड के चक्कर में मैं जा नहीं पाया था क्योंकि थोड़ा कोरोना जल्दी आ गया, क्योंकि हम लास्ट टू लास्ट ईयर भी इसी टाइम पे गए थे। अगर आप मेरे पुराने व्लॉगर मेरे व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कहाँ गया था इस टाइम पे, या फिर मेरी पुरानी वाली वीडियो जाके चेकआउट करो, आपको पता चल जाएगा। बाकी ये ट्रिप ऐसा होना है कि इसमें हम सोएंगे बिल्कुल नहीं, ना कोई होटल लेंगे ना कुछ, सारे के सारे हम लोग डायरेक्ट ही अपना कहते हैं उसी चलते रहेंगे पैदल, पूरी रात सब कुछ करेंगे, पूरा पैदल चलेंगे, हम सोएंगे नहीं बिल्कुल, और पूरा 24 घंटे में ट्रिप हमारा ख़त्म होगा। बाकी मिलवाते हैं आपसे लास्ट जो बंदे मेरे साथ लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर गए थे, उनमें से सिर्फ एक बंदा मेरे साथ जा रहा है उस टीम में से, बाकी सारे के सारे नए बंदे हैं, मिलवाता हूँ आपको, बहुत मज़ा आएगा, बहुत फन करोगे, पता चलेगा आपको कि कितना मेहनत से हम लोगों ने ये ट्रिप करा है। बाकी चलता हूँ आप लोगों को मिलवाता हूँ कौन कौन बंदे इस बार जा रहे हैं। हाँ फाइनली गाइस हमारे दो बंदे हमारे मिल चुके हैं, जानते होंगे निशु, ये आपने देखा होगा लास्ट मेरी वीडियो में, और हमारा शैबी है साथ में, है ना। तो हमारा ऐसा है अभी दो बंदे हमारे पहुंच चुके हैं रजौरी, हमने वहीं जाना है, वहीं मिलना है, वहीं रुकेंगे हम, वहीं मिलते हैं आपको फिर पहुँचाते हैं। नाउ सो फाइनली गाइस हम लोग मिल चुके हैं, और हमारे साथ ये दो बंदे ऐड हुए हैं, आप देख सकते हैं ये मोनू है और ये अनुजा, कल रात को ही कानपुर से आए हैं ये। बाकी आपको दिखाते हैं, ये शूट है हमारा, ये दो बंदे हमारे साथ हैं, निशु एंड सहवी एंड मोनू। बाकी अब चलते हैं, हमारा एक बंदा और हमारे साथ निजामुद्दीन ही मिलेगा। सो नो फाइनली गाइस वी आर रीच इन निजामुद्दीन, और आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं, और ये हमारे अनुज भाई अपना गुटखा खाते हुए रन्नी गंदा पेल रहे हैं दबा के, और ये निशु देखो सिगरेट रखते हुए रखते हुए। बाकी मिलते हैं आपसे अंदर, आप कुछ खाने पीने का लेंगे। नाउ गाइस हम लोग ट्रेन के पास आ चुके हैं, हमारा है D4 नंबर, हम जा रहे हैं पीछे, शैबी अलग बैठेगा हमसे क्योंकि शैबी ने कल रात को ट्रेन की टिकट बुक करी थी उसकी स्लीपर में, और हम लोगों की है अपना सेकंड सीटिंग, और हमारा दोस्त अभी मयूर भी और फेस वन है, गाड़ी छूटने में 20 मिनट बचे हैं, क्या वो पकड़ पाएगा या नहीं कमेंट करके बताइए मेरे को जल्दी से, क्या वो पकड़ पाएगा नहीं। बाकी हम लोग अपना बस अपने स्थान पे पहुंचने वाले हैं जल्दी से जल्दी। नाउ सो फाइनली गाइस हमारा दोस्त हमारा भाई मित्र आ चुका है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा टैनिंग है, मेरी हालत एकदम ना टाइट हो चुकी है अभी, सही पता नहीं क्या होगा। यश हमारा भाई अभी पीछे हमारे को दिख गया है, बाकी मिलते हैं आपको आगे मिलवाते हैं। हमारे अनुज भाई स्प्राइट से कुल्ला करते हैं उनके आगे, और ये हमारे मोनू भाई यश भाई हमारे आ चुके हैं स्प्राइट भी, तो देख रहे हो कितना थकावट पसीने देखो कितने सारे आ रहे हैं, और ये हमारे मुनीम बैठा हुआ है। अब पूरी तैयारी हमारी, यहाँ से ट्रेन बस हार्डली 2 मिनट में छूट जाएगी और फिर आपको सीधा वृंदावन मिलते हैं। हाँ फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारी ट्रेन चालू हो चुकी है, और ये हमारे अनुज भाई बिल्कुल फुल देख रहे हो, ट्रेन इज़ लेट्स गोइंग रॉक ऑन, और ये हमारे सारे मुसाफिर बैठे हुए हैं, निशु मोनू एंड मास्क पहन रहे हैं। अब हमारी चलने की पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है, निकलेंगे यहाँ से। यूट्यूब पे बढ़ गए थे तो कौन सी वाली जाएगी, इसमें दिक्कत क्या है अभी, तो मैं तेरी नहीं डालूंगा, टेंशन ना ले मेरी गाड़ी को जाने। नाउ सो फाइनली गाइस वी आर वेटिंग इन मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और हमारे साथ हम अपने शैबी का वेट कर रहे हैं, शैबी क्योंकि अलग डब्बे में था, हमारे साथ यश है एंड इधर अनुज, इधर मोनू है। बाकी अभी यहाँ पे कितने 4 बज रहे हैं ना, 4 बज चुके हैं, अब हम लोग ने अभी रोटी नहीं खाई है, पहले हम खाएंगे रोटी उसके बाद हम आगे प्रोसेस चालू करेंगे। और भाई बहुत कुछ है यहाँ पे देखने लायक, है ना, बहुत कुछ है ना मोनू यहाँ पे देखने लायक। शैबी इज़ कमिंग एंड हम लोग अब सीधे बाहर निकल रहे हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही बहुत ज़बरदस्त। एंड गाइस ये हम लोग फाइनली निकल गए हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से बाहर, और हमारी पूरी टीम 6 के 6 बंदे हैं, हम 6 के 6 नाप देंगे सारे दूसरे, फर्स्ट क्लास पूरा तैयार है हम लोग। ओके 6 हैं शैबी, 6 हैं, 30 रुपये हो गए नहीं हो गए, चलो जी छोटो। और ये गाइस निशु अपना बार्गेनिंग करते हुए ऑटो वाले से, देखो ऑटो वाले को दिखाएगा हमारे को ये, और ये मोनू हमारे पीछे बीच में खड़े हैं, अब ऑटो वाले हम चेक करेंगे। इसमें बैठ भी जाएंगे सारे बंदे, अरे आराम से बड़े भैया बच्चे लगा लो, अरे चलो 150 ले लेना, खत्म करो गाने, 150 अरे कुछ ना ले वो, गरीब लोग हैं, समझ लो। तो निशु ने बार्गेनिंग कर ली है, 150 रुपये ऑटो बुक कर लिया है, और ये मोनू हमारे पीछे मजे से बेचारे, पता नहीं क्यों कैमरे से इतना शर्मा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे बताओ उस कैमरे से इतना शर्मा किस ले रहे हो,
अरे ओके ओके, तो फाइनली गाइस हम लोग देखो ऑटो में बैठ चुके हैं। शैवी और उन्नीशु को आगे बैठाया बिकॉज इट्स टू हैवी। और हमारे साथ ये मोनू जी बैठे हैं, अनुज जी, और हम लोग यहाँ पे आराम से मस्ती करेंगे। यस, यहाँ पे हमारे साथ है भागते हुए बेचारे दिल्ली से, बहुत मुश्किल है, बचिए भैया आराम से चलाओ। और बाकी अब ये है हमारा स्टेटस कि हम लोग अब सीधा पहले रुकेंगे बाकी बिहारी। भैया मंदिर कितने बजे खुलता है बाकी बिहारी का? 4:30। तो हम जब तक पहुँचेंगे पहले हम कुछ खा भी लेंगे पेट, क्योंकि हमारे पेट बिल्कुल खाली हुए पड़े हैं, सुबह बोल रहे हैं। मोनू जी आप कुछ घर से खाना खा के आए नहीं आए? आप बोल कहा नहीं रहे कैमरे के आगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये भाई कहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहा इतना शर्मा रहे हैं। शर्माने वाली बात नहीं, अगर शर्माएंगे तो पूरा ट्रिप हमारे साथ निकल पाएंगे। यस, तो बाकी गाइस ये है हमारा, कुछ खाएंगे पहले पानी पियेंगे क्योंकि प्यास लग रही है बहुत तेज, और पूरा पूरा कैमरे में हमारे साथ फॉलो हो रहे हैं। यार शावी क्या कहना चाहते हो आप, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं भाई, पहुँचने वाले हैं हम लोग। ओके सर, बड़ा मजा आने वाला है। ओके ओके, नीचे गुटखा तो नहीं खाओगे तुम अब? नो। नाउ फाइनली गाइस वी आर रीच इन वृंदावन, और हम लोग अब पहुँच चुके हैं, बाकी आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे सुना है बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश है। बाकी अभी हम लोग पहले रोटी खाएंगे क्योंकि हमने खाना नहीं खाया है, बहुत तेज़ भूख लगी है हमारे को भाई, मेरे को नहीं लगी। तो वी गाइस फाइनली वी आर एंटर अ टेम्पल। तो कैसे दर्शन हुए निशु? बहुत प्यारे, बहुत मजा आया, दिल खुश हो गया, वाह वाह। सो कैसे दर्शन रहे आपके अनुजी? एकदम बढ़िया। तो फाइनली गाइस आज देख सकते हैं बिल्कुल भी रश नहीं है, और एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम खाली पड़ा हुआ है, रश बिल्कुल नहीं है आज, इसलिए हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए। हम हार्डली 15-20 मिनट तक मैं खुद खड़ा रहा दर्शन के साथ, बहुत ही बढ़िया रहा। और मोनू जी प्रसाद बांट रहे हैं, पहले हम प्रसाद चख लें, इसके बाद फिर आगे आपसे मिलते हैं। मम्मी